जनमंच कार्यक्रम का आयोजन सिकंदराबाद नगर के प्रेम गार्डन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नरेंद्र भाटी रहे तथा विशिष्ट अतिथि में नगर चेयरमैन पति हाजी इरशाद उर्फ भोलू, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, शिक्षाविद ठाकुर दुष्यंत सिंह, प्रसिद्ध व्यापारी त्रिलोकचंद गर्ग उर्फ चुनमुन, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कंसल ने किया व जन समस्या निदान के लिए नरेंद्र भाटी एमएलसी व चेयरमैन पति इरशाद उर्फ भोलू ने सवालों के जवाब दिया। पूछी गई शिकायतों में कुछ का समाधान मौके पर हुआ। आयोजकों ने फूलों का बुका देकर अतिथियों का स्वागत किया व उनके सराहनीय कार्यों के लिए शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों ने नगर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसे मुख्य अतिथि ने ध्यान से सुना व उन्हें नोट किया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि ने सभी पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। परशुराम चोपड़ा ने सभी का धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि नरेंद्र भाटी ने हनी कंसल व आशुतोष मित्तल की प्रशंसा की व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीटी न्यूज़ संपादक राजेंद्र कंसल ने इंडिया नज़र न्यूज़ से इंतजार सलमानी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया व शील देकर सम्मानित किया। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट, चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। तो हमारे बीच में तो ऐसी शख्सियत बैठी है कि सारे लोगों का चुनाव जिनको हम करते हैं उन्होंने इनको भेजा है हमारे बीच में, तो ये समझ लिए को नहीं मेरे में भावता मेरा भावता है कि मेरी निष्ठा थी। मैंने प्राइवेट अस्पताल में ना लगा के मैं गवर्नमेंट अस्पताल में, उसके बाद में मैंने डीएम साहब से कहा, दो दिन बाद डीएम साहब मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता क्योंकि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिले, मेरा हॉस्पिटल कोविड का रजिस्टर्ड नहीं मैंने कराया, क्योंकि मैं खड़ी आबादी में रहता हूँ, पर मैं किसी को जो मेरे पास आता है उसको निराश नहीं कर सकता, उसको वापस और आप मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहे, मैं धन सेवा कर रहा हूँ, मुझे जिसको पार्टी तय करेगी उसको लड़ाई, चूंकि दो बार हमारी पार्टी हार चुकी। मैंने कहा बहन जी योगी और मोदी को तो विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन होता है, उनके चेहरे पर होता है, और जो सिकंदराबाद नगर पालिका को चलाता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। लिहाजा मैं अगर आप कह रही है कि हम एक मतलब बनाए तो मेरा विचार आप सुन लो, आप एक मतलब बनाइए, मैं उसी को वोट दूंगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा, पर आपको मेरा विचार सुनना पड़ेगा। कोई बताइए क्या विचार है, मैंने जो भी आप कैंडिडेट चुन के लाए वो शत प्रतिशत ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कौन सा थर्मामीटर भी नाप लेगा कि शत प्रतिशत ईमानदार होना चाहिए। मैंने उसको लेकर मंदिर चलिए, एक हाथ तो भगवान शिव पर रखे और एक अपने बेटे पर रखे, और वचन बंद हो जाए कि मैं नगर पालिका के साथ शत प्रतिशत ईमानदार। सभी उपस्थित गणमान्य हमारे एमएलसी को चुनते हैं, तो हमारे बीच में तो ऐसी शख्सियत बैठी है कि सारे लोगों का चुनाव जिनको हम करते हैं उन्होंने इनको भेजा है हमारे बीच में, तो ये समझ लिए करने की शुरुआत करता है, एमएसएमई में भी शुरुआत करता है। अब उसका विस्तार रूप छोटे रूप में करके बताता हूँ कि अगर आदमी छोटी दुकान अपने घर में करना चाहता तो उसे सबसे पहले एक एफएसएसआई से लाइसेंस लेना होता है, एक जो दुकान जो इलेक्ट्रिसिटी से कमर्शियल मीटर लेना होता है, एक उसे जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक लेबर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। माननीय मोदी जी ने उसे दिए 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए की हम तो आपको सहायता भी करेंगे, इसे नॉन सहायता करेंगे, और आप दुकान पार्टी को जानते हैं नरेंद्र अग्रवाल को जानते हैं, आज वो नरेंद्र अग्रवाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके नाम के आगे हम उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र नाम लिखा है, जिसमें आपका भी नाम और आपका भी तारीख निहित है, तो मोदी जी का भी नाम निहित है, वो नहीं है उनका भी नाम उसमें निहित है, तो उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र के नाम से हमारा व्यापार मंडल वहाँ पर है। मान्यवर कुछ चीजें हैं, जैसे व्यापार मंडल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, कई बार बाबा साहब भी बड़े गौर से सुना और उस बारे में उन्हें मुझे पता ऐसा लगा था कि शायद उनके बारे में ना पता हो, इतनी गहनतम उनका उसके नॉलेज थी, और मेरे उनके विचार बहुत देर तक उस पर डिस्कशन करते रहे और कुछ दिन बाद उसमें हमें फायदा भी हुआ। सरकार के द्वारा फ्री मिलते
थे हर प्रशिक्षण, लेकिन व्यापारी से ही 700 रुपए लिए गए और वो ऐसी बंदर पाठ होती है तो उसे करोड़ों अरबों रुपए में हो जाता है। अब वो एफएसआईआई ने देखा पहले वाला 700 रुपए कामयाब हो गया तो अब उसने दूसरा कर दिया, जो जो पानी आप यूज करते हो उसकी जांच होगी और एफएसआईआई करेगी हर एक उसमें जाकर। और सबसे ज्यादा 35 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश लेके आए, उनको फ्री खाना दिया, मनरेगा में काम दिया, दूसरी योजना में काम दिया और घर के बाहर कैंप बना के उनको बच्चों से नहीं मिलने दिया, घर के बाहर ही उनको गांव के बाहर उनका कैंप लगाया, वहीं उनका टेस्ट कराया, जब ठीक हो गए जब घर गया। 35 लाख लोग उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, लद्दाख तक से जो चाइना बॉर्डर पे भी जो काम कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश के वर्कर थे, मजदूर थे, जो वहां से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उनको गोरखपुर, बहुत सारे बिहार के लोग आ गए गोरखपुर के। मीटिंग होती है, कोई अंदर डिस्टर्ब कर नहीं सकता है, तो एक अधिकारी ने चुपके से पक्षी मुख्यमंत्री जी यही देखते, जबकि कोई मुख्यमंत्री को आता ही कि जो नवाड़ा जाता है उनको चुनाव हार जाता है, योगी जी हर महीने आते। तो ये सारी बातें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों ने कहा, अभी ने देखा 10 तारीख को हमारा यूपी में इकट्ठा थे, सब मीटिंग चल रही थी 2024 में क्या हो, आज कोई पार्टी 2024 के बारे में सोच रही है, कोई काम कर रहा है? मोदी जी योगी जी 24 से भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, 60% टिकट फाइनल हो चुके हैं 2024 के और कार डिसाइड हो चुकी है, वह कंप्यूटर का बटन हिलाना है, जब चुनाव आएगा कंप्यूटर नेट पे डालना है कि इधर पढ़ लो लिस्ट पे किसका टिकट है, लड़ो वो लगते पहले ही तैयारी कर देंगे, तो काम करना पड़ता है। जो हमारा संगठन है, हमारा जो आरएसएस का संगठन है, वो हमारे बीजेपी के संगठन से कई गुना ज्यादा काम करता है, मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है। मैं तो एक साल से ही आया हूँ, पहले भी आया कि राजनीति में ही थे तो देखते तो थे, कार्य से भी तो देखते ही थे, भाई दुश्मन की चाल पे ही चुनाव लड़ना पड़ता है। नगर पालिका परिषद की जो सवाल पूछे गए सब उनके मैंने जवाब दिए और जो काम कहीं रह गए वो अधूरे वो भी शुरू हो जाएंगे। ये कुत्ते की कब्र से लेके काशीराम आवास, नगर पालिका हॉस्पिटल के सामने की सड़क खराब पड़ी है, इसका सवाल पूछा गया, वो बहुत जल्दी 2-3 दिन में उसे पास हो गई है, बनवानी शुरू कर देंगे। और जो भी शहर की समस्या आई है सबके हमने जवाब दिए, सभी हमारे उससे संतुष्ट हुए, हर जगह हमने निर्माण का काम, बिजली का काम, नालों का काम, खरंजों का काम सब हमने कराया, पूरे शहर में बताया, जहाँ कहीं शिकायत आई है वो आगे को काम होते रहेंगे। इसमें एक सवाल और भी आया था कि हर कोई ये कि सफाई व्यवस्था पूरे शहर में, हमारे नगर पालिका परिषद से अच्छी पूरे जिला बुलंदशहर में कहीं सफाई व्यवस्था नहीं है। जो सफाई व्यवस्था का सवाल पूछ रहे हैं उन्हें हमने जवाब दे दिए, हमारे शहर सिकंदराबाद की सफाई के मामले में कहीं भी शिकायत कोई नहीं आती है, सब नगर पालिका नगर पंचायतों की अखबार में देख लो पूरे ज़िले में कितनी शिकायत आती है, हमारी सिकंदराबाद में कोई सफाई व्यवस्था की शिकायत नहीं है, पूरी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है और बढ़िया तरीके से हो रही है और आगे को होती रहेगी। हम करते हैं सब अपनी अपनी बुग्गियों में उस गोबर को लेके जाते हैं, अपने अपने खेतों में डालते हैं, वो खाद के काम आता है, वो कीमती गोबर होता है, सब अब कोई नहीं बहा रहा उस गोबर को, सब लेके जाते हैं। और कुछ जनता से अपील करना चाहता, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शहर में खुद भी इतना ध्यान रखें सफाई व्यवस्था का। सफाई के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ अपने नगर के सगले वासियों से कि हम जो ये डिब्बे प्लास्टिक के बांटेंगे उसमें सभी माता बहनें सभी उसको अपने कूड़े को भर के गीला कूड़ा अलग उस डिब्बे में भरें और सूखा अलग भरें, और जब भी हमारा सफाई कर्मचारी
आएगा नगर पालिका का, वो उसे दे दें, वो खुद ही उसे डाल के ले जाएगा कूड़े को। माता बहनों से अपील है कि बाद में कूड़ा ना डालें, सभी समय पे अपना कूड़ा डालें। अगर कूड़ा वो गाड़ी निकल गई है तो अपना वो कूड़े का डिब्बा वहीं रख लें, जब वो गाड़ी आवे जब उसको डाल दें। मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह भाटी MLC BJP रहे, उसके साथ ही हमारे विशेष अतिथियों में हाजी इरशाद उर्फ भोलू चेयरमैन पति चुनमुन व्यापारी और ठाकुर दुष्यंत सिंह शिक्षाविद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रहे। सिटी न्यूज़ चैनल ने जनमंच कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया ताकि जनता की आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया जा सके। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम, जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रस मलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद बुलंदशहर रोड।